तो गाइस अभी देखो हम घर से दूसरे घर में जाने की तैयारी कर रहे हैं। देखो ये देखो मेरे कपड़े गाइस, अभी तैयारी नहीं कर रहे हैं। बाप रे, मेरा तो सर दुख रहा है। और एक बार और देख लो, फिर इधर भी देख लो। माय गॉड। तो गाइस मेरा है ना सर दर्द होने लग गया है इन कपड़ों को देख के। और सही में आज ये मुझे सेट करने ही पड़ेंगे, क्योंकि अब मैं सेट नहीं करूंगी ना तो बहुत मुश्किल हो जाएंगे कपड़े ढूंढना भी। और मैं फिर से एक बार बता, दूसरे घर जाने में तो अभी बहुत टाइम है, तो बबली अभी ये जैसी जो बोल रही ड्रेस, है। ये सूट्स मैंने जचा लिए हैं, ये बिल्कुल मेरे न्यू सूट हैं। अभी अभी बहुत सारे निकालूंगी मैं, इनका अलग से वीडियो भी बनाऊंगी अगर आप बोलेंगे तो। मेरी एक अलमीरा जो है ना वो उस कमरे में है, वुडन वाली जो है, तो उसके अंदर सिर्फ सिर्फ और सिर्फ साड़ी है। और लहंगे भी मैंने बेड में रखे हैं मेरे, इतने सारे हैं क्योंकि यहाँ स्पेस की बहुत कमी है। हमने अलमीरा बनवाई नहीं है स्पेशली, क्योंकि अभी पता था कि हमें जाना है। हाँ अभी तो देखिए मैं ये अलमीरा मेरे कपड़ों के हिसाब से काफी छोटा है, ये लेकिन क्या देखिए करें। पूरा बिखरा पड़ा है। और मैंने जैसे अभी एक ड्रेस निकालनी शुरू की तो और गिर गया, तो मुझे और भी जचाना पड़ेगा अभी। तो आप देख लो एक बार, मुझे लगेगा शायद 3-4 घंटे लग जाएंगे इसके अंदर। अभी अभी नए मकान में जाने में तो बहुत टाइम है, अभी तो पता नहीं जुलाई एंड तक। हाँ, जब तक मैं मुझे यहीं पे ठूस के रखना पड़ेगा। लेकिन फिर से मैं दिखा देती हूँ कि यहाँ पे मैं रख रही हूँ अपने नए कपड़े, नए मतलब वो शरारा जो है। तो जैसे जैसे रखूंगी आपको दिखाते जाऊंगे, लेकिन फिर आप वीडियो जल्दी जल्दी नहीं बना पाएंगे। बना देंगे। अभी आप गिर ही गए तो चलो। और ये नैनू के कोट पैंट निकले हैं गाइस, देख सकते हैं आप, दिवाली की सफाई चल रही है उसमें। ये तो कुछ भी काम में नहीं आएंगे, इसके मामा की शादी तक तो ये बिल्कुल भी नहीं आएंगे, है ना। अभी तो अभी से ही छोटा हो गया है नन्नू के। हाँ नैनू, आपका ब्लेजर निकला है देखो। ओ गाइस, मुझे पता भी नहीं है कि मेरे पास कौन कौन सी ड्रेस हैं, अभी पता लगी है। क्या? देखो नैनू, आपकी ये ड्रेस निकली है, ये तो बिल्कुल न्यू है। देखो नहीं, मेरे को तो लगता नहीं आ ये पाए। छोटा है, ये ब्लेजर पहन के दिखाओ। आई थिंक छोटा रहेगा। बोलो, 3 पीस है ये वैसे। दिखाओ, अच्छा लग रहा है लेकिन छोटा है मेरा तो। बस ये सर्दी में अटक सकता है, बस ये पूरा मिल्की की जैकेट में प्रॉपर भी नहीं है। आएगा, नहीं ये भी नहीं आएगा। अभी सारा इतना सारा नहीं बनाएंगे, बोले तो बहुत देर लग जाएगी। भगवान, मेरा तो बहुत सारा। आप मेरा ना थोड़ा जल्दी जल्दी बना के दिखाना, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे मैं रख रही हूँ सिंगल कुर्तीज बस अपनी, जैसे कि ये वाली कुर्ती तो मुझे बहुत पसंद है। आपने मेरे शॉर्ट्स में देखी भी होगी, मैंने जब यूट्यूब स्टार्ट किया था तो उसके स्टार्टिंग के शॉर्ट्स में है ये वाली कुर्ती, मुझे बहुत पसंद है ये वाली। तो ये वाली कुर्ती है जैसे, तो गाइज सही में मेरा इतना दिमाग नहीं करूंगी तो भी मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, और मैं समेटूंगी तो मेरा पक्का हो ही जाएगा। लेकिन चलो समेट के ही कर लेते हैं अपना दिमाग खराब आज, क्यों ना मैं सोचूं कि काम करके ही दिमाग खराब कर लेते हैं। और ये वाला कुर्ती देखो मेरा, साथ साथ थोड़ा थोड़ा दिखा देती हूँ आपको। और अच्छी बात यह है कि इन दोनों के साथ एक निखिल इसका पैंट रखा था, वो कहाँ चला गया नहीं पता ना। ठीक है, कोई बात नहीं। तो कुर्ती कुर्ती जो सिंगल कुर्ती है वो रख रही हूँ, जैसे कि ये वाला कुर्ती है तो कुर्ती अलग से सेट कर दूंगी। और ये वाला जीन्स का डेनिम का कुर्ती है, इसका मैं अलग से बनाऊंगी वीडियो। जैसे ये बंदेज का ग्रीन कलर का कुर्ती है, और ये वाला कुर्ती है मेरा। मेरे पास आपको हर तरीके से सूट मिल जाएंगे, बस मैं वेयर कम करती हूँ। ये वाला है, ये भी सिंगल कुर्ती है, क्योंकि ज्यादातर कुर्तीज ऐसे होती हैं कि हम लोग उनके साथ ना लेगिंग्स वगैरह डाल सकते हैं, जैसे ब्लैक रेड या जीन्स पे सब आप वेयर कर सकते हो। तो ज्यादातर ऐसी कुर्तीज ही हैं मेरे पास। और गाइस मैं एक चीज दिखा देती हूँ आपको बीच में, मेरा ये वाला दुपट्टा देखो कितना प्यारा है, जो मैंने अभी लिया था। राजस्थानी लुक दे रहा है ना, प्यारा सा। ये ना हैंड वर्क का देखो, थ्रेड का,
और इसमें मिरर भी है, प्यारा लग रहा है बहुत। ये पहनूंगी कभी जब आपको दिखेगा, अभी इसके लिए मौसम सही नहीं है, गर्मी है। फुल साइज का दुपट्टा है ये, बहुत प्यारा। तो गाइज अभी कुछ सेट कर दिया है, वो फिर से आपको कुछ दिखाना चाह रही थी मैं, जो मैंने भी बहुत टाइम बाद देखी आपने कुछ कुर्तीज। दो तीन कुर्ती और दिखा देती हूँ मैं। तो जैसे कि ये वाला कुर्ती है, कुर्तीज का वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी अगर आप बोलेंगे तो। जैसे ये वाला है, साथ साथ में समेटती रही। ये वाला ब्लैक एंड व्हाइट पूरा सूट है, कॉटन का, बहुत ही प्यारा। ये वाला मेरा पैंट है रेड, पूरा शाइनिंग में है, तो मैं थोड़ा कमी डालती हूँ, देखिए अच्छा है लेकिन। एंड ये वाला ग्रीन कलर का सूट जो आज ही निकला है, पता ही नहीं सिलवा के रख दिया था और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, मेरे पास था भी ये सूट, लेकिन आज देखो आपको लग भी रहा होगा ये कहीं से दबा हुआ निकला है, पता भी नहीं लग रहा था, क्योंकि अगर अच्छे से तय करके कपड़े नहीं रखते हम तो एक्चुअली हमें पता भी नहीं रहता कि हमारे पास कौन सी ड्रेस है, बस जो भी आगे मिलती है वो ही पहन लेते हैं हम लोग। तो ये वाला सूट है मेरा, एक बार मैंने बहुत शौक से सिलवाया था लेकिन एक बार भी नहीं डाला है मैंने ये वाला सूट जो है, और इसके साथ ये दुपट्टा लिया था मैंने, बहुत प्यारा है। जो इसके साथ मैंने बॉटम बनवाया था, देखिए पटियाला वाला, कभी पहनेंगे तो दिखेगा आपको वीडियो में। एक गाइस ये निकला है, ये मैंने दिल्ली में बनवाया था, पूरा लॉन्ग कुर्ता, क्या बोलते हैं, सॉरी मुझे याद नहीं है निखिल, इसको क्या बोलते हैं, वेलवेट, वेलवेट सॉरी। ये बहुत प्यारा कुर्ता है मेरा, लॉन्ग कुर्ता। तो ये भी मैं ना ढूंढती रह गई लेकिन मुझे मिला ही नहीं फुल स्लीव्स में, तो ये कभी वेयर करूंगी तो आपको जरूर दिखाऊंगी। इसका कलर बहुत प्यारा है, कुछ कुर्ती सही में अभी समर में पहनने के लिए थी, जो सही टाइम से मैंने अपने अलमीरा को संभाल लिया, जो भी पहन सकती हूँ। ये वाली कुर्ती जो है वो ये फ्रॉक पैटर्न में है, ये तो बहुत ही अच्छी है, देखो इसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा है, तो अच्छा है ये गर्मी में पहनने के लिए। अभी मुझे ड्रेस मिल गई है मेरी, आप काफी दिन बाद खुद की ड्रेस देखते हैं ना तो लगता है कि वाह ये सब न्यू है। तो गाइस ये भी समर के अकॉर्डिंग ही है, देखिए ये चिकनकारी कुर्ती है जो बहुत प्यारा सा कलर है इसका, और ये देखो ये भी मैंने दिल्ली से लिया था, और इसके साथ आप ब्लू भी डाल सकते हैं, और मैंने इसके साथ स्काई ब्लू इसी के साथ का ये मैचिंग लिया है, जो मैं बहुत टाइम से ढूंढ रही थी, अगर इसका बॉटम मिल जाता तो ये नहीं मिलते, इसलिए इनको अच्छे से संभाल के रख देती हूँ ताकि मुझे टाइम भी मिल जाए। अच्छा चिकनकारी एक कुर्ती और भी है जो मुझे आज मिल गई है, येलो वाली देखिए, शायद मैंने एक वीडियो में ये पहना हुआ था, ऐसा एक ब्लैक है, येलो है, ब्लू है एंड रेड है, क्योंकि सर्दी में तो पहन नहीं सकते अभी, इसी टाइम पहन सकते हैं, और मेरा वीडियो जो है वो बहुत लॉन्ग बन जाएगा इसलिए बीच बीच में मैं बंद कर दूँ। हो गया इस निखिल, देखिए निखिल किचन में ना वो बना रहे हैं, क्या कर रहे हो निखिल, निखिल दिखना नहीं चाह रहे, कर्टन लगा गए। तो एक कुर्ती और निकला, जैसे कि ये वाला कुर्ती है मेरा, ये देखो ये भी मुझे बहुत प्यारा लगता है, लेकिन चलो अभी मिल गया, ये जीन्स के साथ भी बहुत अच्छी लगती है, कुर्ता स्टाइल है इसका, सही में कितने सारे कपड़े नहीं मिल रहे थे ना मेरे, और ये भी मिल गया कुर्ता सा है ये, जो ये भी अभी के अभी पहनने के हैं ये, इसी गर्मी में पहनने के। तो गाइस सही में मेरे ना बहुत सारी ड्रेस निकल के आई है, एंड ये वाला जो है मुझे पता भी नहीं था कि मेरे पास इतने कपड़े हैं, ये देखिए ये वाला ये बहुत प्यारा है,
हम लोग क्या करते हैं ना, लेके आते रहते हैं, लेकिन देखते नहीं है कि पहले वाले भी बहुत सारे रखे हैं, उनको भी संभाल ले पहले। तो ये वाला मेरा है ना। तो गाइस मैं मिलती हूँ आपको, पहले कुर्ती को सेट कर देती हूँ, सारी कुर्ती सेट करके फिर आपको पूरा टोटली दिखाती हूँ, अदरवाइज वीडियो जो है ना वो बहुत लेंदी बन जाए। तो गाइज अभी तक कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि मेरे को कि मैंने क्या क्या। तो गाइज ये जो है ना, और बीच बीच में आप देख रहे हैं कि मैं अपनी जो भी कुर्ती मिल रहे हैं वो पहन के देख रही हूँ। ये वाली कुर्ती मुझे बहुत अच्छी लगती है तो मैंने पहन ली है। ये देखिए ये वाली जो है ना, मेरे पास ये तीन जैकेट है ऐसी। तो आप देखो किसी सूट के पटियाला के साथ या पैंट सूट के साथ, अगर आप जीन्स जीन्स के साथ कोई भी कुर्ती डाल दें ना, उसके साथ भी मैं डालती हूँ, बहुत अच्छा लुक देती है। लेकिन शायद मेरी कोई भी वीडियो में नहीं है ये डाली हुई। ये वाली है एक, ये वाली कुर्ती है, ये मेरे एक सूट के साथ की कुर्ती है जो मैंने रख दी है अभी, तो ये भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। और लेकिन हाँ, ये वाली कुर्ती जो है ये राजस्थानी कुर्ती है, मैंने अलग से ली है। तो ये दो है, और एक ये वाली भी कुर्ती है जैकेट, सॉरी ये ब्लैक कलर का फ्रॉक सूट है जो उसके साथ का जैकेट है। आप देखिए अभी मैंने इसको फोल्ड कर दिया है, तो ये तीनों बहुत प्यारे हैं, आप भी रख सकते हैं ऐसे वाले जो है। तो अभी तक मेरा काम ऐसे कैसे रखा है, क्योंकि बीच पे मुझे और काम भी देखना होता है। और लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कितना सेट कर भी दिया है थोड़ा बहुत। तो गाइज आज मुझे लगता है कि मेरा काम पूरा हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि अभी तो बहुत टाइम लगेगा। यहाँ पे ना बस अभी पैंट पैंट रखे हैं अलग फोल्ड करके, नीचे देखिए कितना बिखरा हुआ है। और अभी बस मैंने सेट किए हैं, इस साइड जो रखी हैं मैंने वो सिर्फ और सिर्फ कुर्तीज़ हैं ओनली। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी, और बहुत मुश्किल है, छोटे छोटे हैं ना ये, इसमें रखना अब दो ही लेयर आ पाएंगे। तो इसमें सिर्फ रखे हैं कुर्ती, और ये जो हैं ये बिल्कुल न्यू हैं, जो एक एक बार ही डाला है मैंने सिर्फ। कुछ कुछ तो अभी जैसे ये वाला है जो मैंने डाला भी नहीं है, जो कभी आपको अलग वीडियो में दिखाऊंगी मैं। तो यहाँ पे सब ये वाले रख दिए हैं, तो देख सकते हैं आप। लेकिन नीचे का अभी पूरा बिखरा हुआ है, मुझे पूरा सेट करने में, और फिर कभी ये मेरा जीन्स वाला जो वेस्टर्न ड्रेस का है ये पूरा मुझे समेटना होगा। और एक बार फिर गाइस, मेरा व्लॉग पहले से ही 13 या 14 मिनट का बन चुका है, क्योंकि मैं और नहीं बनाऊंगी, क्योंकि अभी बहुत टाइम लगेगा बनाने में, और मुझे अभी खाना खाना है। और तो अभी मैं खाना खाऊंगी, उसके बाद थोड़ा सा और टाइम लगाऊंगी, लेकिन व्लॉग जो है व्लॉग में नहीं डालूंगी, क्योंकि बहुत ऑलरेडी बड़ा बन चुका है, आप लोग को बहुत बोर लगेगा वरना। तो मेरा अलमीरा में अभी बहुत डबल टाइम लगने वाला है, थोड़ा सा आज करूंगी और थोड़ा सा कल होगा, क्योंकि अभी छेड़ लिया है ना, तो बस रात के शायद 11 बज जाएंगे मुझे। तो मैं खाना खा लेती हूँ, आज का व्लॉग बस यहीं पे एंड करती हूँ, नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगी, तब तक मेरा पूरा अलमीरा सेट हो चुका होगा, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तब तक के लिए बस बाय बाय, गुड नाइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।